नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई, गुड न्यूज ये है कि बीपीएससी 17th में बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी एडिशन किया है, कुछ और जोड़ा है। ये खुशखबरी की बात है कि हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके साथ तमाम बातें हैं जो हम तमाम विद्यार्थियों के सामने बहुत सारे समस्या बना हुआ है। पहला बात कि वन एग्जाम की क्या एक ही दिन एग्जाम होगा? दूसरा बात, क्या परसेंटाइल लागू होगा? तीसरा बात कि सर, पैटर्न क्या यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, अन्यथा पैटर्न के बारे में क्या चर्चा होगी और कैसे पैटर्न हो सकता है? इन सब पे थोड़ी सी बात हम करेंगे। बीपीएससी के रवैये के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, बीपीएससी कर क्या आ रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि इस गुड पहले हम लोग चर्चा कर लें तो प्यारे भाइयों, गुड न्यूज में सबसे अच्छी बात यह है, इसमें पदों की संख्या जोड़ी गई है और हाल फिलहाल अपर जिला परिवहन लेवल 7 के पद को जोड़ा गया है। ये 4 पद जोड़ा गया है प्यारे दोस्त, लेवल अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि बिहार परिवहन सेवा, इसमें 4 पदों को जोड़ा गया है जो आपको दिख रहा होगा। इसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगा। खैर, इसकी जानकारी तो आपको होगी। अब आते हैं आगे, और आगे हम लोग बात करेंगे। ये बीपीएससी के लिए बहुत ही बेहतर बात है और बहुत ही अच्छा बात है। ये अपर जिला परिवहन को मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले ही बताया था, कुल पद 8 हैं महिलाओं के लिए आरक्षित। ये सारे मामले जो है संशोधित पद की स्थिति बताया जा रहा है कि अपर जिला परिवहन में टोटल 8 पद हो गए हैं। हालांकि यदि पूछा जाए आपसे कि टोटल पद कितने जोड़े गए हैं, तो यथासंभव सारे जोड़ने के बाद ये पदों की संख्या 2031 2031 हो गया है, 2031 हो गया। और मुझे भी नहीं विश्वास है कि अभी और बढ़ेगा। 3 जगह से, 3 और पदों से, या यूं कहिए कि 3 और एरिया से कोटी बार पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, और आने वाले दिनों में लगभग 2100+ सीट हो जाएंगे। इसमें मत नहीं है। 2100 होने का मतलब क्या होता है दोस्त? 2100 का मतलब होता है सीट, यदि 2100 हो जाता है तो आपके प्रीलिम्स में रिजल्ट भी, प्री रिजल्ट 21,000 होगा, प्री का रिजल्ट 21,000 होगा। तो थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर चर्चा हम कर सकते हैं कि क्या 21,000 रिजल्ट होगा। दूसरा बात कि अभी कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसका ही डेटा है कि 4 से 5 लाख तक लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। ये डेटा बीपीएससी ने खुद दिया है, बीपीएससी ने दिया है या नहीं दिया है, न्यूज़पेपरों ने कहा कि बीपीएससी के सोर्सों से ये बात पता चला है कि 4 से 5 लाख लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, क्या ये बात सही है कि 10 लाख से अधिक लोग भरेंगे? क्या ये बात आपको देखने से नहीं लग रहा है कि 7 से 8 लाख के आसपास ही फॉर्म भरेंगे और 4 लाख के आसपास लोग प्रेजेंस होंगे? क्या ये भी बात सही है? कट ऑफ पे इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वन एग्जाम। बीपीएससी ऑलमोस्ट इस बात को क्लियर कर चुका है कि वन एग्जाम होगा, एक दिन एग्जाम होगा। 13 दिसंबर कहने के बाद ये मामला बीपीएससी की तरफ से क्लियर हो गया है कि एक एग्जाम होगा। ये तो लगभग 100-110% फाइनल है। दूसरा बात, क्या परसेंटाइल होगा? परसेंटाइल की चर्चा किया जा रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि होगा, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि यदि परसेंटाइल की चर्चा करते हैं तो एक दिन के एग्जाम में, और पेपर डिफरेंट होते हैं, 7-8 पेपर की चर्चा बीपीएससी ने एक बार किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसेंटाइल की संभावनाएं होगी। इस परसेंटाइल से क्या हानि होगा, क्या मुनाफा होगा, ये जब तक हो नहीं जाता है तब तक इसके बारे में चर्चा करना हमें लगता है कि बेकार की बात है कि सरकार और किस तरीके से क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे। हालांकि ये बहुत कोई तोप चीज़ नहीं है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और उसी के हिसाब से ये परसेंटाइल कमीशन करेगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि सर 13 दिसंबर को होगा या नहीं, है बीपीएससी का अभी रवैया। जितना तेजी से बीपीएससी सीट से जा रहा है, अभी भी 110% है कि ये 13 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, एकदम 100% चांसेस है। आकाश में कुछ होता है तो अलग बात है। कहा जा रहा है, न्यूज़पेपरों की सोर्स ने कहा है कि 34 जिलों में, लगभग 34 जिलों में आपका डिस्ट्रिक्ट में एलोकेशन भी हो रहा है सेंटर का, सेंटर भी कंफर्म किए जा रहे हैं। यदि बीपीएससी को 13 दिसंबर को नहीं लेना होता तो इतना जल्दी जल्दी सेंटर एलोकेशन काम नहीं करता। हालांकि कहा जा रहा है कि जिलाधिकारियों के पास नोटिस क्या है, और का कोई रिस्पांस नहीं आया है, रिस्पांस आने के बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन फिर बीपीएससी यदि प्रयास कर रहा है, इसका मतलब 13 दिसंबर को पेपर ले लेगा, और यही आप अपने ध्यान में रखकर इसकी तैयारी को करेंगे, अन्यथा काम खराब हो जाएगा। आगे आते हैं पैटर्न। बीपीएससी के चेयरमैन सर ने यह बताया आपको कि पैटर्न यूपीएससी पैटर्न पे होगा, यानी यूपीएससी के बिहाफ पे पैटर्न पे होगा। क्या यूपीएससी पैटर्न का मतलब ये होता है कि बहुत टफ होगा? क्या यूपीएससी पैटर्न का मतलब ये होता है कि एकदम यूपीएससी जैसे पेपर हो जाएंगे? आपको याद होगा कि यूपी जब अपने पैटर्न को बदला था तो थोड़ा थोड़ा करके अपने पैटर्न को आगे बढ़ाया था। आज भी यूपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो टोटली यूपीएससी के पैटर्न पर नहीं होता, बल्कि एक मतलब दायरा ऐसा होता है जो यूपीएससी से इंक्लाइंड होता है, बाकी सब यूपीएससी के पैटर्न पे होता है। देखिए, सीख लेते हैं।
यदि आप 150 नंबर के क्वेश्चन बात करते हैं और इसमें से 140 जीएस के क्वेश्चन एसी में कहूंगा और 10 मैथ्स को यदि मैं साइड कर देता हूं, मैथ्स को अलग कर देता हूं, 150 में तीन तरह के लेवल होंगे और तीन तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, जो अभी यूपी के पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। एक होगा स्टैंडर्ड दूसरा होगा मीडियम, मिडिल और तीसरा इजी। ये तीन तरह के इजी है ना, या आसान कह लीजिए, आसान ये गुड कह सकते हैं आसान। ये तीन तरह का प्रश्न होंगे। देखिए एक इसमें स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 से अधिक नहीं आएंगे जो यूपीएससी के पैटर्न पे होंगे। मिडिल क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आएंगे तो 40 से 50 आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब बचा 90 हो गया, 60, 50 से 60 क्वेश्चन इजी रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आज भी बीपीएससी अपने पुराने पैटर्न से सबसे अधिक रहेगा, इसमें मत नहीं। उसके बाद मिडिल जो पुराने पैटर्न में सबसे लेवल के क्वेश्चन था उससे पूछेगा और तीसरा स्टैंडर्ड पूछेगा 40 नंबर। और यदि आप थोड़ा सा प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी को पढ़ते होंगे और इसकी जानकारी होगी, मिडिल और स्टैंडर्ड को जोड़ देते हैं तो लगभग 90 क्वेश्चन मिडिल और आसान को जोड़ देते हैं, इन दोनों के प्रश्नों के बीच को जोड़ देंगे ना, हो जाएगा 40, 50, 90, 90। और 90 से 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 से 100 में यदि खूब आप क्वेश्चन सही करते हैं, कितना भी विद्वान है, एक्यूरेसी चाहे जो भी हो, आप इसमें 75 से अधिक नहीं कर पाएंगे। 75, 15 आपका गलत होगा ही होगा, और 15 जब गलत होगा तो उस नेगेटिव मार्किंग को माइनस कर दीजिए, -5, तो आपका स्कोर 70 हो जाएगा। यानी आपको 100 और कट ऑफ पता है, आपको कट ऑफ 100 के आसपास जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा? 100 के आसपास जाएगा, इसकी जानकारी होगी। कट ऑफ से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब लास्ट एंड लास्ट में बता रहा हूँ कि 100 के आसपास जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 70 आप कर ले रहे हैं तो दो आशा बचा, एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और दूसरा ये 10 नंबर का मैथ। मैथ का भी रोल अच्छा खासा रहेगा। यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आप 20 मार्क्स भी लाते हैं और मैथ से 10 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं तो बहुत धूमधाम से आप 100 के आसपास आ जाएंगे। ये 100 मैंने सबसे हाईएस्ट बोला है, 90 के आसपास धूमधाम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होगा, किसी के पैटर्न से वाले प्रश्न आते हैं, हो सकते हैं कि इस बार ज्यादा हो। करंट अफेयर की प्रोबेबिलिटी है कि ठीक ठाक प्रश्न आएंगे, और उसके साथ हमेशा एक यूपीएससी का ट्रेंड देखा गया है कि जब यूपीएससी अपने ट्रेंड को बदलता है तो मेडिवल हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा पूछ देता है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है। हो सकता है कि बीपीएससी इस ट्रेंड को फॉलो करे, एनवायरमेंट, मेडिवल हिस्ट्री सेक्शन से प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे या किसी और सब्जेक्ट की बढ़ा दे। सारे सब्जेक्ट को आप तरीके से क्या करें, हायरार्की वाइज पढ़ के और कुछ कूप वाले प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आपको पता है स्टैंडर्ड 40 में से 40 आपको नहीं बनाना है, 40 में से 20 भी बना लेते हैं तो आप धूमधाम से लड़ाई में रहेंगे और बहुत आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं, फिर अगला न्यूज़ आता है उसमें हम आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए बहुत